मेरे परिवारजनों, राजस्थान की विरासत, संस्कृति और इतिहास की गाथा मेवाड़ के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये मेवाड़ की माटी भारत माता के मस्तक पर तिलक की तरह है, लेकिन इस धरती को जब जब कांग्रेस की नजर लगी है, तब तब इसके स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची है। कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के लोगों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली वारदातें हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। साथियों, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के गौरव को खतरे में डाल दिया है। जैसे हालात राजस्थान में पहले कभी नहीं बने, वो पिछले 5 साल में हमने देखे हैं। किसने सोचा था कि राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लग सकता है? लेकिन ये पाप कांग्रेस सरकार ने किया है। क्या ऐसी कांग्रेस सरकार को राजस्थान में रहने देना चाहिए? ऐसी कांग्रेस को राजस्थान में जगह मिलनी चाहिए? आज यहां कांग्रेस सरकार है इसलिए पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैलियां निकालते हैं। आतंकियों की हमदर्द कांग्रेस सरकार राजस्थान को तबाह करके मानेगी। क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को तबाह होने देंगे? क्या हम राजस्थान को बर्बाद होने देंगे? राजस्थान के कितने ही क्षेत्रों में अब गरीबों के पलायन की खबरें आने लगी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही तो ये और भी बढ़ेगा। इसलिए अब राजस्थान को देर नहीं करनी है। 25 नवंबर को पूरे उदयपुर को, पूरे राजस्थान को इस संकल्प के साथ वोट देने के लिए निकलना है कि कांग्रेस सरकार को अब हटा करके ही रहेंगे।